वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर कटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो छोटा गियर होता है उसे पिनियन कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम लोग गियर कहते हैं, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से मेशिंग में हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गियर का एडेंडम है, ठीक है, तो एडेंडम अगर गियर का लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, जब ये एक दूसरे से मेस होगा तो इंटरफेयर करेगा किस पे, पिनियन टूथ पे, ठीक है, पिनियन के टूथ पे, जिसके कारण ये आप देख रहे हो कि गियर का टूथ जो है पिनियन के टूथ के अंदर इन कर चुका है। तो ये प्रोसेस हुआ इंटरफेरेंस, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटरफेयर यानी एक गियर का टूथ इंटरफेयर कर रहा है पिनियन के टूथ प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इंटरफेरेंस। अब इसी प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि जैसे ये प्रोसेस हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। यहां पर आप देखोगे जो कटिंग रैक है, ठीक है, अगर दोनों का कटिंग रैक है तो दोनों का टीथ का प्रोफाइल सेम होगा, ठीक है, ये पिनियन है तो वो भी पिनियन हुआ। लेकिन कटिंग रैक जैसे यहां पर इन किया, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, तो क्या करेगा, यहां के मटेरियल्स को रिमूव कर देगा, पिनियन के मटेरियल्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हो कि प्रोफाइल ऐसे होना चाहिए था लेकिन अब कैसे हो गया, इस तरह से, क्योंकि यहां से इसके अंदर का पोर्शन को मटेरियल्स को कट करके ये रिमूव कर चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अंडर कटिंग होगा, मटेरियल को रिमूव करना। तो यहां का पोर्शन क्या हो गया, हट गया, वीक पड़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिनियन क्या होता है, छोटा होता है, तो इस पे टीथ क्या होगा, कम होगा, लेस देन कंपैरिजन टू गियर, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर इस पे मटेरियल्स आप और भी रिमूव कर देते हो तो ये तो ऑलरेडी वीक हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप गियर का डिजाइन करते हो, ठीक है, तो अगर आप इंटरफेरेंस को अवॉइड करोगे डिजाइन में तो अंडरकटिंग की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, तब अंडरकटिंग प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब्सेंट होगा, अगर आप इंटरफेरेंस को अवॉइड करके टूथ को डिजाइन करते हो तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।